गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर डोईवाला में सिंह सभा की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर नगर पालिका क्षेत्र में पांच प्यारों की अगुवाई में धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी की जयंती की बधाई दी। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 555 साल पहले भारत में गुरु नानक देव जी महाराज एक महान संत हुए और आज सिख समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। क्षेत्रीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सांसारिक मामलों में उलझने पर लोगों को अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को हमेशा परमेश्वर के नाम को न भूलने का आह्वान किया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। गुरु नानक जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व पूरे उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। 555वां ये प्रकाश पर्व है और जिन गुरु महाराज ने पूरे संसार के अंदर जा जाके मानव कल्याण के लिए काम किया और जो हमारे गुरु महाराज थे उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हारा और मैं तुम्हारा का मतलब हम लोग किसी भी तरह से मानव कल्याण के लिए काम करें, भगवान की तरफ अपना ध्यान रखें, देवी शक्ति की तरफ अपना ध्यान रखें। अनेकों उनके बारे में बातें कही जाती हैं लेकिन एक प्रमुख बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब वो चूंकि किसान थे अपने पिता के आदेश अनुसार सब्जी बेचने जाते थे और सब्जी बेचते हुए जब तेहरा का अंक आता था वो रुक जाते थे, देवी शक्ति की तरफ वो लीन हो जाते थे। तेरा का मतलब तुम्हारा, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा, तो इस प्रकार का जो भाव जिनके अंदर था और उसके बाद वो पूरी तरह से देवी शक्ति की तरफ वो लीन हो गए। आज उनका प्रकाश पर्व है, देख सकते हैं हजारों की संख्या में हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बस एक आवश्यकता आज लगती है कि हम उनके ये दिए गए जो विचार हैं हम उनको साझा करें, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, दूसरे के लिए काम करें और ये ही भावना हमारी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा।